Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and hearty, you all are fit and fine. My name is Sanya Sharma and I'm going to start another chapter. और ये चैप्टर हम ऑलमोस्ट सारा कर चुके हैं, बस इस चैप्टर में जो अर्बन लाइवलीहुड या पॉलिटिकल साइंस का है यानी सिविक्स का है उसके हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. और आपको पता ही है कि ये हम चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और इसकी हमने पूरी की पूरी समरी टाइप बना ली थी. अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, अर्बन एरियाज़ की मार्केट्स कैसे होती है, अर्बन एरियाज़ के वेंडर्स कैसे होते हैं और अर्बन एरियाज़ की स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट्स पे कैसी चीज़ें बिकती हैं, ये सब हम कर चुके हैं. और इसके उससे पहले जो वाला लेक्चर है उसमें हमने केस स्टोरीज भी करी, केस स्टडीज भी की कि एक रिक्शा पुलर की कैसे स्टोरी थी और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या छोटी छोटी फैक्ट्रीज में लोग वर्क कैसे करते हैं. ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था. आज के लेक्चर में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं. देयर आर ऑलमोस्ट डैश स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, यानी कि अर्बन एरियाज नाम से तो अर्बन है लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद होते हैं अर्बन एरियाज की मार्केट में. नेक्स्ट, डैश इज नाउ रिकॉग्नाइज एज अ जनरल बेनिफिट एंड हैज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड. तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडिंग है पहले के टाइम पे ऐसा हो गया था बिकॉज बहुत कॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एरिया ले लेते हैं, इसी चक्कर में हम बोलते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग बोला गया था स्ट्रीट वेंडिंग को बैन करा देनी चाहिए. लेकिन जबकि स्ट्रीट वेंडिंग एक टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन होती है जिससे बहुत सारे लोगों के पेट भरते हैं, इसीलिए स्ट्रीट वेंडिंग को रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि वो जनरल बेनिफिट प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं लोगों का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ 4 पैसे कमा लें. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द डैश दैट इज स्ट्रीट्स. बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं गलियों में या स्ट्रीट्स में ही काम करते हैं और उससे कमाते हैं. एंड इन इंडिया इट कंप्राइजेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर कैजुअल वर्कर्स. अब कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, कैजुअल वर्कर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्क फोर्स. ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे कैजुअल वर्कर्स जो है उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है. ठीक है, जैसे कि परमानेंट ऑक्यूपेशन होती है, येस आई एम वर्किंग एज अ टीचर या आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर या मैं एक CA हूँ, XYZ यानी एन नंबर ऑफ थिंग्स. लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो उनकी कोई मेजर ऑक्यूपेशन नहीं होती, वो कहीं परमानेंट बेसिस पे वर्क नहीं करते, बट सप्लाई सर्विसेज ऑन इररेगुलर और फ्लेक्सिबल बेसिस. हम इररेगुलर को फ्लेक्सिबल बेसिस भी बोलते हैं, यानी कि आपने नाम सुना होगा आजकल फ्रीलांसर. ठीक है, तो फ्रीलांसर का नाम सुना होगा, उनके पास कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, वो फ्रीलांसर होते हैं. बेसिकली वो कभी कभार काम या फ्लेक्सिबल बेसिस पे काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं. ऑफन टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड फॉर वर्क. फ्लक्चुएटिंग डिमांड यानी कि फॉर एग्जांपल शादियों का सीजन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इवेंट मैनेजमेंट चाहिए होता है, इवेंट मैनेजर चाहिए होते हैं, तो वो कई तो इवेंट मैनेजर्स आर डूइंग फॉर द रेगुलर बेसिस, लेकिन जब शादी का सीजन पीक पे आता है तो बहुत सारे लोग इवेंट मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं यानी कि फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ऑन फ्रीलांसिंग बेसिस, उनका कोई ऑफिस भी नहीं होगा, वो इवेंट मैनेज करने के लिए पुट फॉरवर्ड हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल लेबर. अब ये कैजुअल लेबर कहाँ, अर्बन एरियाज में हमारा जो चैप्टर बताता है ये कहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, यानी इनको कहाँ पे हायर किया जाता है, वर्कशॉप्स में हायर किया जाता है और फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय किया जाता है. क्यों किया जाता है, क्योंकि इनको कभी कभार बहुत ज़्यादा सप्लाई देनी होती है, बहुत ज़्यादा काम देना होता है, तो इसी चक्कर में कई बार इनको एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि कहीं कुछ सीजन में कभी कभार काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनको इतने ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकते परमानेंट बेसिस पे, तो इसलिए कैजुअल लेबर्स को हायर करते हैं कुछ ही घंटों के काम या कुछ ही दिनों के काम के लिए.
So small workshops and factories employ casual workers because they get large orders only during the certain season. कभी कभार जब उनको large order या फिर जब बड़ा order मिलता है, कोई बड़ा order उनको आया है और उनको जल्द से जल्द complete करना है और उनके पास इतनी workforce permanent नहीं है, तो वो casual labors को hire कर लेते हैं on the temporary basis. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, temporary basis पे hire कर लेते हैं. temporary यानी कुछ time के लिए. टेम्प्ररी बेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वो हायर कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, नेम सम बिग सिटीज दैट हैव मोर देन मिलियन पीपल वर्किंग एंड लिविंग देयर. आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटे शहर से है, छोटे शहर से है. छोटे शहर ये नहीं बोल सकते हम उसको कि वो एरिया में छोटा है. छोटे शहर का मतलब ये होता है कि वो बिग सिटीज यानी कि जो बड़ी सिटी थोड़ी डेवलप्ड हैं, ठीक है, वहां पे जा रहे हैं, यानी कि उनकी सिटी या उनकी जो स्टेट है वो उतनी डेवलप्ड नहीं है. तो ये बड़े शहर कौन से हैं, बिग सिटीज लाइक चेन्नई, बिग सिटीज लाइक मुंबई. आपने सुना होगा हमें दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है, मुझे बॉम्बे जाके एक्टर बनना है ना. तो अक्सर लोग ये बोलते हैं, एंड कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे एक बैंगलोर भी आता है, ठीक है. तो बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि हम इन जगहों पे जाएं और या तो माइग्रेट हो जाएं, ठीक है, किस पर्पसेस के लिए, या तो माइग्रेट हो जाएं पूरी फैमिलीज को लेके इन सर्च ऑफ क्या, एजुकेशन, बेटर लाइवलीहुड. ठीक है, एजुकेशन के पर्पस के लिए भी लोग आते हैं, बेटर लाइवलीहुड के लिए भी लोग आते हैं. ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशन चेंज, बेटर लाइवलीहुड, ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशन चेंज. और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज. ओके, नेक्स्ट, लिविंग एंड वर्किंग देयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन हमारा बेसिकली क्या होता है, इन क्वेश्चन हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है. व्हाई फॉरेन कंपनी सेटअप देयर कॉल सेंटर्स इन इंडिया. अब एक और चीज है, फॉरेन कंपनीज जो होती हैं या फिर हम बोलते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है, इंडिया के अंदर कॉल सेंटर क्यों बनाती हैं, भले उनको क्या फायदा हो रहा है हमारी पॉपुलेशन से और हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर बनाने से. तो देखो, एक फायदा तो यही होता है, सबसे पहले इंडिया के अंदर आपको पता है एजुकेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा है. इंडिया की पॉपुलेशन अब नंबर वन पे आ गई है, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं. तो ज़्यादा लोग हैं और यहाँ की पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है, और पॉपुलेशन भी अगर हम बोले एजुकेटेड है, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको लोग चाहिए होते हैं, उनको लोग चाहिए होते हैं जो एजुकेशन वे में, एजुकेटेड वे में उनका काम कर सके. और अपनी यहाँ की जगह हमारी इंडिया की लगती है. सो फॉरेन कंपनी सेटअप कॉल सेंटर्स इन इंडिया एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेस. दूसरी बात ये भी है, एक तो एजुकेटेड, उनको इंग्लिश स्पीक करनी आती है, पॉइंट नंबर वन. ठीक है, पॉइंट नंबर वन. एंड पॉइंट नंबर टू, वर्क फॉर द लोअर वेजेस. लोअर वेजेस का मतलब क्या है कि अब वहां का जो यूएस बंदा है वो ज्यादा पैसे लेगा, वो ज्यादा डॉलर लेगा, लेकिन इंडिया के लोग, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन नंबर वन पे आ चुकी है हमारी, तो हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा, हमारे यहाँ पे काम ज्यादा, हमारे यहाँ पे हमने क्या चलानी है, हमने यहाँ पे हमने घर चलाने. तो उस वे में बोला जाता है कि यस, क्या होता है कि इनको लो वेजेस में काम मिल जाता है. दैट इज वाई फॉरेन कंपनीज इंडिया को अपना कॉल सेंटर बना के चलती है. हु डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज. अब आपने सुना होगा कि बाजार लगते हैं और बाजारों के अंदर कोई एक दिन क्लोज रहता है. जैसे हमारे यहाँ पे वेडनेसडे क्लोज रहती है मार्केट्स, कई जगह मंडे क्लोज रहती है मार्केट्स. तो ये कौन डिसाइड करता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है कि कौन से दिन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है कि कौन से दिन मार्केट्स क्लोज रहेंगे. हफ्ते में एक दिन मार्केट्स क्लोज रहती हैं, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है जो अर्बन एरियाज का होता है. ठीक है, ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा होगा. नेक्स्ट, वट इज लेबर चौक. अब लेबर चौक क्या होता है, लेबर चौक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेली वेज के लेबर वेट करते हैं विद देयर टूल्स फॉर कंट्रैक्टर्स टू हायर देम. तो लेबर चौक क्या होता है, लेबर चौक एक जगह होती है जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो हायर करते हैं कि चलो तुम मेरी बिल्डिंग में लग जाओ, चलो तुम मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर लग जाओ. और वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो लाइन में खड़े होते हैं
और वेट करते हैं कि उनकी बारी कब आएगी और वो खुद हायर कब होंगे और उनका काम कब से स्टार्ट होगा. तो दिस इज नोन एज लेबर चौंक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेम अ फ्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज. बिग सिटीज में कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. देखो बिग सिटीज में आजकल बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, लेकिन जो अट्रैक्ट करती है विद गुड सैलरीज इज कॉल्ड कॉल सेंटर्स. इसमें आप थोड़ा सा अपग्रेड कहलाते हो, आपकी नौकरी थोड़ी अच्छी कहलाती है. ठीक है. वट इज मैंडेटरी फॉर परमानेंट शॉप्स. अब मेरे को परमानेंट शॉप खोलनी है. एक होती है रेडी जो इरेगुलर है, वो मैं कभी खोलूँ कभी ना खोलूँ. एक होती है परमानेंट शॉप, मुझे पूरी की पूरी दुकान खोलनी है. तो ये बिजनेस करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा. इसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि यस मैं दुकान खोल रही हूँ, मैं इस समय दुकान खोल रही हूँ, ये परमानेंट शॉप है, यहाँ से उसको कोई भी नहीं हटा सकता बिकॉज आई हैव अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम उसको बोलेंगे लाइसेंस है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. वट काइंड ऑफ थ्रेट टेम्प्रेरी वर्कर्स गो थ्रू. अब हमने ये तो पढ़ लिया जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनके पास परमानेंट जॉब होती है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको कभी भी लात मार के हटा नहीं सकते. लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्प्रेरी वर्कर्स की या हम बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स की जो टेम्प्रेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको क्या डर रहता है. उनको एक ही डर रहता है कि कभी भी उनका एम्प्लॉयर यानी कभी उनका बॉस उनको काम से हटा ना दे. तो उनको अंदर यही डर लगता है कि उनकी जो जॉब है एक तो इरेगुलर है, ठीक है, टेम्प्रेरी है. टेम्प्रेरी का दूसरा वर्ड क्या है, इरेगुलर है. और इरेगुलरिटी के चक्कर में उनको ये डर लगता है कि उनका जो बॉस है उनको काम से फायर ना कर दे या कभी भी उनको लात मार के हटा ना दे. तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को डर रहता है. इसी चक्कर में आधी जनता अगर आप देखो तो आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब भी है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. लिस्ट सम एक्टिविटीज दैट आर कैरीड आउट ऑन द स्ट्रीट. अब स्ट्रीट्स पे आपको पता ही है क्या क्या कैरी आउट होता है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो. वेंडिंग, वेंडिंग का मतलब होता है रेडी लगा के बेचना. हेयर कटिंग, आपने देखा होगा कि हेयर कटिंग के सैलून होते हैं. शू रिपेयरिंग, आपने देखा होगा कॉबलर होता है. ठीक है. फिर आपने देखा होगा फ्लावर सेलिंग होती है, न्यूज़पेपर सेलिंग होती है, और ये सब चीज़ें बिकती हैं. ठीक है. ये सब सेल होता है. नेक्स्ट, हाउ स्ट्रीट वेंडिंग वॉज लुकड अपॉन रिसेंटली. अब रिसेंटली बेसिकली क्या बोला गया कि स्ट्रीट वेंडिंग क्या होता है. स्ट्रीट वेंडिंग से ऐसा लगता है कि हम बहुत ही छोटी जगह आ गए, हम बहुत ही ऐसी जगह आ गए जो बहुत ही भरी हुई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है. तो इसलिए बोला जाता है कि उसके चक्कर में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, भीड़ भड़का हो जाता है और पीपल वॉक नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है. तो स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुकड अपॉन ओनली एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग. जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं वो भी क्या हो जाते थे, वो थक जाते थे और उनको अच्छा नहीं लगता था. राइट. तो इससे हमने पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है. आई होप आपको एक क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. यू कैन राइट इन योर वन मार्कर्स एंड विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर लेक्चर. हम नेक्स्ट कोई और लेक्चर करेंगे. आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपके छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर रिविजन चल रहा है. कुछ भी आपको चाहिए तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखें. ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम.